वर्क डन बाय जोसेफ प्रिस्टली, ही वॉज द वन जो अभी हमने पहले पढ़ा था इसके में, यानी कि जो इंट्रोडक्शन लास्ट टॉपिक में मैंने आपको करवाया, अभी भी मैंने बोला कि जो इसमें फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, व्हाट वर द टू प्राइमरली फंक्शंस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, वन इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड एंड सेकेंड इट इज गोइंग टू गिव द ऑक्सीजन, है ना. सो इट इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन विच इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, राइट. सो दिस इज द जोसेफ प्रिस्टलीज एक्सपेरिमेंट दैट हैज जस्टिफाइड दिस पर्टिकुलर थिंग. इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया था. जोसेफ प्रिस्टली वॉज अ पर्सन, ही प्रोवाइडेड वन ऑफ द हाइपोथेसिस बाई विच ही सेड दैट एवरीथिंग विच इज टेकन बाय द एनिमल्स और बाय अदर प्रोसेसेस लाइक दैट ऑफ द बर्निंग और कंबशंस, है ना. सो एवरीथिंग विच इज टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय द एनिमल्स इज एडेड बैक अगेन बाय द प्लांट्स, ठीक है. मतलब इन्होंने ये एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि जो एनिमल्स या जो प्रोसेसेस लाइक बर्निंग वगैरह लेते हैं तो दैट आर ऑल रिवर्टेड बैक टू द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स, ओके, अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली. ये पहला स्टेप है इनका. तो पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडिशंस डाली थी. व्हाट एक्सपेरिमेंट ही हैज परफॉर्म, जोसेफ प्रिस्टली हैज परफॉर्म इन हिज एक्सपेरिमेंट. फर्स्टली व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ बेल जार, इन्वर्टेड बेल जार, एंड इन हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रोवाइडेड वन ऑफ द कैंडल्स अंडर दिस बेल जार. बेल जार लगाने से पहले उन्होंने एक कैंडल लगा दिया, ठीक है. एक सेटअप तैयार किया जिसमें ये बर्निंग कैंडल है, ठीक है. सेकेंडली ही ऑल्सो केप्ट वन माइस एन एनिमल, ओके. सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द माइस ओवर हेयर बट आई एम जस्ट राइट, ओके. सो माइस वॉज प्रेजेंट हेयर एंड ऑल्सो बर्निंग कैंडल वॉज केप्ट विद इन द बेल जार, इन्वर्टेड बेल जार, राइट. After some time, what happened was because biological process, you know what could have been possible here. Because in the air which is present in this inverted jar, whatsoever the oxygen was present, because oxygen acts as a supporter of the combustion. Okay. So whatsoever the oxygen has been present, that is taken by the flame, that is a candle to be burnt, right? To keep on burning. Also for the survival of the mice. You know, all the oxygen which was there in the air was consumed by both of them, and as a result, what they produced was carbon dioxide. As a result of combustion, also carbon dioxide is being produced. है ना. So what is being added to this environment within a bell jar was carbon dioxide. After a particular while, what will happen when all the oxygen has been finished, it has been consumed totally, the carbon dioxide is not going to support further even the survival of the living organisms or the burning of the candle. So what was the result? These two, that is the candle and the animal. The animal died. They both showed the result. As a result, what happened was the mice died, and the candle that also was not possibly anymore lit up. ठीक है, ये lit up नहीं रही, ठीक है. मतलब इसके flame जो है वो नहीं आया. This is only the wick I am making here, and the wax जो थोड़ी बहुत ही चली है. तो इतने में क्या हुआ, आफ्टर पर्टिकुलर वाइल दिस वॉज ऑल्सो पुट ऑफ, जो इसमें फ्लेम था वो खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, ठीक है. वो पहले जब तक मिला तब तक सर्वाइव किए, लेकिन जब खत्म हो गया तो दैट ऑल एंडेड अप, राइट. इन हिज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज द सेकेंड सेटअप विच इज क्रिएटेड अलॉन्ग विद द माइस एंड द कैंडल. दिस वॉज सेटअप ए, ठीक है. Along with the mice and the candle, I am going to make a second setup here only. In this, he also introduced one of the plant, which was a potted plant. Okay, potted plant means it was a living plant, which was performing all its activities. Okay, it was watered also. It was given water, पानी भी दिया हुआ था इसको for the particular time जितने के लिए ये experiment चलेगा, सिर्फ उतने घंटे के लिए. तो पानी उतना सा available करवा दिया. Plus second, he kept a mice. Plus third, again he kept a candle over here, which was lit up. ठीक है, मतलब चलती हुई कैंडल, बर्न कैंडल रख दिया. अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? ऑक्सीजन विच वॉज देयर इनिशियली, इनिशियली जितना ऑक्सीजन था इस एयर में, दैट वॉज अगेन टेकन अप बाय कैंडल एंड बाय द माइस, जैसे पहले वाले में लिया था, है ना. इनिशियल स्टेजेस पे जितना एयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, दैट वाज टेकन बाय प्लांट इनिशियली. आफ्टर दिस
द प्लांट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो तो हमने बाद में पढ़ा था, लेकिन प्रिस्टले का सिर्फ एक हाइपोथेसिस था. तो हाइपोथेसिस किस बेसिस पे लगा यही बता रहे हैं. तो जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया इस प्लांट ने, इट रिलीज आउट सर्टन ऑफ द ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन वॉज बीन एडेड टू द एनवायरमेंट अगेन. सर्कुलेशन शुरू हो गया ना, ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बाकी चीजें ले रही. एज अ रिजल्ट मोर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन प्रोड्यूस बाय द कंबशन एज वेल एज बाय द माइस, है ना. माइस ने और कैंडल ने और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया उस एनवायरनमेंट में. अब ये भी सर्कुलेशन हो रहा है, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यहाँ पे ऐड हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होती जा रही है एयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट और ले पा रहा है और ऑक्सीजन दे पा रहा है. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग हेयर वॉज बीन सर्कुलेटेड. दिस इज वॉट दिस वॉज अ हाइपोथेसिस क्रिएटेड बाय प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले. प्रिस्टले ने यही बोला यहाँ पे कि एवरीथिंग, व्हाट वाज हिज हाइपोथेसिस, आई एम रिपीटिंग हिज स्टेटमेंट अगेन, एवरीथिंग व्हिच इज टेकन बाय द एनिमल्स एंड द बर्निंग कैंडल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इज गिवन बैक बाय द प्लांट्स, नॉट जस्टिफाइड, है ना. अभी आपको स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाइबल लग रही है इसमें, ठीक है. सो दिस इज जोसेफ प्रिस्टलेज वर्क which started with this initiation that whatsoever we are taking are given by the plants back to the environment. Then there were different people, those who started up with the different of the concepts ki aisa ye plant ke andar kya hua ki yahan se isne wapas kuch create kiya jo ki ye animals and candle jo hai wo jalti rahi aur ye chalta raha experiment jo hai wo continued raha, aisa kya hai. To ye sari cheezon mein aur zyada क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीपल जो है, डिफरेंट लोग जो है वो आती गई. फर्दर मोर सम ऑफ देम दे गेव द पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द व्हाट वाज द एक्चुअल यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द प्लांट. इट वाज इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द फूड, एंड दिस ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूज और द फूड विच इज बीन प्रोड्यूज दैट इज टेकन बाय द दैट इज मेड बाय द ग्रीन कलर प्लांट्स ओनली, राइट. नो अदर प्लांट्स आर इन्वॉल्व. Then the green structures, they have the specially the chloroplast having the chlorophyll that which are involved in the photosynthesis. So, matlab dheere dheere ye photosynthesis mein step ahead hota gaya. And various people, they contributed to the concepts of this photosynthesis. Initial was given by Joseph Priestley. Priestley. It's not Priestley, it is Priestley. L-E-Y. Okay? So, the initial step was created by Joseph Priestley. He made this experiment and hypothesized, not concluded, not given the proper proof, right? Experimental proof तो इसमें नहीं था. इतना सिर्फ उन्होंने hypothesis दिया था कि ऐसा कुछ है जो कि लिया जा रहा है animal से या burning candle से, जो वापस add किया जा रहा है by the plants. ठीक है. So ऐसे statements को क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, if it is not accompanied by the particular experiments, then we call these things as only hypothesis. Okay, so what was the hypothesis made by Joseph Priestley? Clear? Done? Any doubts? Any question? Okay, now coming to the next is the different contributions made by the people, but finally that led to the one thing that which we came to know, that was the site of photosynthesis. So what actually is the site of photosynthesis? What actually acts as a site of photosynthesis? That is the photosynthesis. That is a structure involved with the process of this photosynthesis, and that is a cell organelle called as chloroplast. Right? Already we have studied the structure, but still we need to make it again for this chapter. That is to understand that what the various steps of the photosynthesis and where they are taking place, just a recalling type of the structure of the chloroplast. So what is the site of photosynthesis? It is a chloroplast. And what in the chloroplast we will be writing further. First let us make this structure. This is an oval shaped cell organelle present only in the plant cells. It is double membrane bound, so make it covered with two membranes. This is double membrane bound structure. Got it? Having the small coin like structures or the disc like structures, which are called as the thylakoids. There are numerous of the thylakoids.
The thylakoids are stacked one above the other, forming the grana or the granum. Right. So this is the stacking of the thylakoids like this. Okay. So there are different stacks of these thylakoids that are the grana. Numerous of these. Also, these thylakoidal membranes are the ones which play the very crucial role. That is all the autochemical process that is all played over the thylakoidal membranes. Okay, this membrane system that is responsible for the photochemical phase. The membrane system means the membranes of these thylakoids, they are specifically added, these membranes of the thylakoids, they are specifically added with the structures which we'll be studying further, that are of the photosystems or the light harvesting complexes, that which actually starts up the process, that which are actually involved in the process. We can say that. Okay, trapping up of the light and then proceeding further. That is all this thylakoidal membranes. Okay. Even the membranes which are of the lamella, that is thylakoidal lamellae or the stromal lamellae, aapko pata hai na, ye sara membrane system banata hai. Okay, ikattha. So the thylakoidal membranes, thylakoidal lamellae, they are the ones extended towards it, right? And away from it, they are the stromal lamellae like this, right? And they make the connections with the other thylakoidal lamellae. So like these, the lamellae are also being produced. Done? So you can make the connections producing the thylakoidal and the stromal lamellae, that which forms the interconnected membrane systems all across the cell organelle. Okay. So this is the structure involving the lamellae. Complete this structure. ठीक है तो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं ऐसा नहीं है कोई अगर हमने नहीं कनेक्ट किया तो दैट इज नॉट एक्चुअली दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना तो वी कांट शो इट एज अ होल बीइंग कनेक्टेड ऑल बीइंग कनेक्टेड लाइक दिस राइट सो देयर विल बी सम मेनी अदर्स स्टिल दोज आर कनेक्टेड विद वन अनदर एंड दिस हैज अ फ्लूइडी मटीरियल प्रेजेंट ऑल अक्रॉस दिस ऑर्गेनेली विद इन दिस ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. And stroma is basically responsible for what? For the production of the energy. That is in the form of the ATP and the NADPH, right? So that is the stroma. So within a chloroplast also, we can write that what is the site of photosynthesis? That is a chloroplast. But within the chloroplast, a membrane system is there, right? Within the chloroplast, there is a membrane system and the stroma. Okay, membrane system is there and the stromal tissue, that is the stroma, is present, right? Within the membrane system only, this is acting as all the photochemical action, all the phase that has been provided, we can say, within the membrane system. So all the photochemical phase, all the reactions involving this photochemical phase, they are all involved in this, involving the synthesis of the ATP as well as the NADPH2 here. Okay, right? But this stroma is basically responsible for sugars, jo hum log padhte hai na, as a result of the sugars banti hain, the first photosynthesis ki reaction aap logon ne padhi hui hai. Carbon dioxide plus water, that gives us C6H12O6, right? Along with the oxygen, right? So that is the reduction reactions, they are taking place here. That is the formation of the sugars, they are taking place here in the stroma. Okay, so you can write here the formation of the sugars or reduction of carbon dioxide, that which leads to the formation of the carbohydrates, that is taking place within the stroma. Okay. Done.
So these are the thylakoids. Just label it as completely thylakoids, comma, lamellae. The two membranes, outer and the inner membrane. So this is outer membrane and the inner membrane. This is inner membrane. These also have the ribosomes that are of what type? 70S. 70S ribosomes are also present. Then there are also the DNA. That is a chloroplast's own DNA that is in the form of a circle. So circular DNA, which is the chloroplast, in short we write CHL. CHL DNA along with the 70S ribosomes. The full structure which involves the membrane system as well as the stroma. Membrane system mein sara hai. Thylakoid, thylakoidal membrane, then ye lamellae, sara kuch. Theek hai? Stromal lamella, thylakoidal lamella, sara kuch. That is all involved in the membrane system. Here only it is involving the two of the photosystems along with the LHC, that is the light harvesting complex, and along with this only, jab ye aap aage reactions padhoge to usi mein hi, as a result of the reactions which are taking place from one photosystem to the another, then only there is a formation of the energy also. Okay, so this is energy yahin pe hi aayega sara ka sara. Theek hai, ATP, NADPH, sara ka sara. This is responsible membrane system. Okay, right? No doubts here, I think, because we have already considered this structure of the chloroplast. Any doubt to anyone? Anji? Okay, done. Now next is, this is also one of the activities in your practicals, that for studying the different of these photosynthetic pigments, right? ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सारी present होती हैं chloroplast के अंदर, ये structures हैं और ऐसे help करेंगे photosynthesis में. लेकिन major source जो है photosynthesis का, that is also played by the pigment, that is the chlorophylls, है ना? Chlorophyll आप लोगों ने पढ़ा हुआ, that's a green pigment which helps in this process of photosynthesis, right? So there is a practical activity also that we will be performing when you will be here offline, that is called as a paper chromatography. Okay, so chromatographic studies you have to do. What this chromatography is, chromatography, chromatography paper chromatography hum karwate hain, that is of the, at the very small level, but still we get to have the results. What basically we do is we take the solution that is prepared, a specific amount of the material has been added to it with the particular ratios, you can say, and everything, like the whole of the procedure when counted for, there is on the special papers we get the strips of the, or we can say the, we get the bands of the different pigments which are present within the plant. Theek hai, plant material ke sath hum treatment dete hain to special solutions ka. उसके साथ हमारे पास पेपर्स के ऊपर पेपर स्ट्रिप होती है, जैसे ये हमारे पास पेपर स्ट्रिप है. अगर आप ऑफलाइन होते तो आप लोग को पहले एक्सपेरिमेंट करवाती मैं, बाद में आपको ये पढ़ाती, तो इट कुड हैव बीन रादर इजियर. ओके, बट वी विल सी. जैसे ये मेरे पास पेपर स्ट्रिप है, इसके ऊपर हमने पेपर क्रोमैटोग्राफी करवाया, तो विद द हेल्प ऑफ द प्लांट मटीरियल, एनी प्लांट मटीरियल, लेट्स से स्पिनच को ही हमने एज इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड ले लेना है उसका, and then treating it with certain solutions and putting this filter paper on it, not exactly the filter paper but it is some other paper, and then what happens is jitne bhi uske andar pigments hai na, wo sare ke sare is tarah se hame bands ki form mein nazar aate hain. That is, we get to have the yellow color, light green color, dark green color, even sometimes the red color bands. Theek hai, red color ke bands bhi aise available ho jate hain. So all the pigments, they get separated, I mean to say this, right? So ye kya hai ki ye sare jo pigments hai na, ये सारे ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग बैंड्स की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. सो इवन एज वी आर परफॉर्मिंग, सो एट द वेरी हाई लेवल एंड वेरी प्रॉपरली द पीपल, दोज हु आर कंसर्न्ड विद दिस प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दे हैव प्रोवाइडेड अस द डेटा विद फॉलोइंग द क्रोमैटोग्राफिकल स्टडीज ओनली, राइट? सो अकॉर्डिंग टू देम, द फोर ऑफ द मेजर पिगमेंट्स विच वर यू कैन से नोटिस्ड बिकॉज ऑफ दिस क्रोमैटोग्राफिकल स्टडीज, दे वर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो उन्होंने आइसोलेट कर पाए, मतलब जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ पे. देन देयर वर ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स. ठीक है, ये कुछ
पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स के नाम हैं, नेम्स हैं, जो आइसोलेट किए गए, जो कि स्टडी किए गए बाय द पीपल डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमेटोग्राफिकल स्टडीज, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स. राइट नाउ दीज टू कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैरेटिनॉइड्स ऑल्सो. ठीक है, दीज आर कैरेटिनॉइड्स कैटेगरी में हम इनको इकट्ठे भी ले सकते हैं. ठीक है, हेयर इन दिस केस इट वॉज फाउंड दैट क्लोरोफिल ए इज द मेजर और द मेन टाइप ऑफ द पिगमेंट विच इज फाउंड इन ऑल द प्लांट्स. ठीक है, तो सब में चीफ पिगमेंट जो हम कह सकते हैं, द मेन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, दैट इज द क्लोरोफिल ए. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दे कैन फोटोसिंथेसाइज. बट फॉर द वर्किंग ऑफ द क्लोरोफिल ए, द अदर पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटीनॉइड्स, है ना, द अदर पिगमेंट्स दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज द एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस. ठीक है, सो दीज आर वॉट, दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, दीज आर नॉट द मेन वंस, है ना, दीज आर नॉट द मेन वंस, बट दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग दैट ऑफ क्लोरोफिल ए. मेन तो क्लोरोफिल ए है, लेकिन ये एसेसरी है, मेन नहीं है पर चाहिए जरूरी. ठीक है, सो दैट इज दे आर द एसेसरी पिगमेंट्स. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एसेसरी पिगमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आई सेड दैट क्लोरोफिल ए हैज टू परफॉर्म द वर्क ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे, जो लाइट है उसमें से डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने के बाद, दीज आर टू कलेक्ट ऑल एब्जॉर्ब्स, ये सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स को एंड दे प्रोवाइडेड टू द क्लोरोफिल ए, दैट इज फॉर द फंक्शनिंग, है ना. जो काम करना है वो करना क्लोरोफिल ए ने है, लेकिन ये सारे क्या करेंगे, एसेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे, दे आर टू एब्जॉर्ब द लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड देन दे आर टू प्रोवाइडेड टू द मेन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए. ठीक है, द मेन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिएक्शन सेंटर, इसको हम रिएक्शन सेंटर का नाम भी देते हैं. वॉट इज दिस रिएक्शन सेंटर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले द मेजर रोल, द मेजर जो कनेक्टिविटीज आनी है रिएक्शंस की वो सारी स्टार्ट होनी है फ्रॉम द क्लोरोफिल ए. ठीक है, राइट. अदर फंक्शन ऑफ दीज एसेसरी पिगमेंट्स इज जो हमारा क्लोरोफिल ए है इसकी प्रोटेक्शन करके रखते हैं, ताकि इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है ना, सो इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसलिए ये बाकी सारे इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. समझ आया? ठीक है, सो व्हाट इज द मेन पिगमेंट आफ्टर द क्रोमेटोग्राफिकल स्टडीज, व्हाट इट वाज फाउंड दैट देयर आर मेजर दीज टाइप ऑफ द पिगमेंट्स व्हिच दे लोकेटेड, राइट, दैट इज क्लोरोफिल ए, बी एंड जेंथोफिल्स एंड द कैरोटीन्स. देन दे से that chlorophyll A is the main or the chief pigment, B and the others, they are the accessory pigments. The accessory pigments, they are going to collect the light at different wavelengths, absorb the light at the different wavelengths, right? And then they will be provided to the chlorophyll A because it acts as a reaction center. Okay? Right? Koi doubt hai yahan pe kisi ko? No doubt. Then after this, following these studies only, different spectrums were also made. Okay, if you will look onto your NCERT books, there are different graphs. You are not to do those graphs, but just the related, you can say studies are that those graphs, they were plotted on the basis of the spectrums. That is, depending upon the action spectrum and absorption spectrum. Okay, those graphs that you can see, they are all plotted over the two types of the spectrums, that is action spectrum and the absorption spectrum. Ye hota kya? Absorption spectrum provides the spectrum or the wavelengths of those light, you can say components, jo light ke components, different wavelengths hain jis pe light absorb ho jati hai. Pigments jin light wavelengths ko absorb kar sakte hain, absorption spectrum banate hain, aur wo sari wavelengths light ki jo absorb nahi ho pai, rather they are involved in the you can say creating an action. Okay, directly they are not absorbed but they are creating an action mein jo involve ho pati hain, that is providing the action spectrum, matlab jo process mein help kar rahi hai. Okay, so that are the absorption spectrum and the action spectrum.
the graphs have been generated, and according to these spectrum graphs which has been generated, they totally, both of them, they all, you can say, figured out that there are two regions जहाँ पे सबसे ज्यादा दो lights हैं, दो wavelengths हैं, दो regions हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा photosynthetic activity जो है वो possible हो पा रही है, and that is blue and the red regions. ठीक है, कौन कौन से? Blue region, blue light and the red light. These are the two regions of the spectrum where the photosynthetic activity are going to be maximum, right? And who has made this conclusions? That is, according to these spectrums, the conclusions were made, right? Following both the spectrum graphs, following both the methods of the spectrum formation, whether absorbed wavelengths or the wavelengths which are generated in the actions, which are helping in generating the action, according to both of these spectrums, these are the two zones or the two wavelengths or the two light components that which are going to create the maximum process of photosynthesis. So maximum photosynthesis is going to happen at this particular wavelength. Okay. After this, what is this light reaction and where it takes place? ये जो reaction center की मैंने अभी बात करी है, मैं इसको आगे explain करने लगी हूँ, but your time is over, so we'll be continuing tomorrow. Where we see this reaction center, we'll be again following these only things. ठीक है, ये reaction center में है और उसके आसपास ये बाकी के सारे pigments हैं जो bonded होते हैं. तो ये सारे structures continue with further studies we will be looking on tomorrow. Any question in today's lecture, anyone?